आप मीटिंग में बार बार सॉफ्ट हैंड रेज ना किया करें, इससे बिना बात पे तकलीफ होती है मुझे बार बार, क्योंकि कोई अभी कोई आपकी बातों को जवाब नहीं दिया जा सकता। तो आपको जो भी कहना हो चैट विंडो में कहिए, हम अपना कार्य जारी रखेंगे। तो गोल क्या है, हम यहाँ पर आए क्यों हैं इस धरती पर, थोड़ा शॉर्ट में बात को पकड़ते हैं। गोल क्या है? गोल है खुद को जानना। नंबर वन सबसे जो पहली बात है वो है खुद को जानना, नोइंग योर सेल्फ योर कैपेबिलिटीज। अब ये स्थिति कैसे पैदा की जाती है, आप सोचें। जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आपको दी जाती हैं, इन सब को इन परिस्थितियों के लिए आपको ऊपर थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। जिंदगी का हर एक चैप्टर जो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इसकी थ्योरी ऊपर कवर कर दी गई होती है। ये अलग बात है कि हमें बहुत सारी बातें आज हम कहें कि रिकॉल करो तो रिकॉल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में बिल्कुल इम्प्रिंट के कर दी गई हैं, हमारे गहरे मन के अंदर उनको इम्प्रिंट कर दिया गया है। जो भी हमें हमें सिखाया जाना है उसे बड़े गहरे तरीके से हमारे मन में डाला जाता है, अवचेतन मन में डाला जाता है। जिस समय हमारा हिसाब किताब हो रहा होता है ऊपर, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, उस समय में ये सारी चीजें हमारे मन में डाली जाती हैं। तो वो चैप्टर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है खुद को जानना। अब खुद को जानने के लिए आप दुनिया भर की कार्यवाही जो हम करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करने को दिए जाते हैं खुद को जानने के लिए, ठीक है। बेसिकली सीधा सीधा सवाल होता है, हाउ डू यू परफॉर्म एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ डू यू परफॉर्म एज ए चाइल्ड, हाउ डू यू परफॉर्म एज एन एडल्ट, हाउ डू यू परफॉर्म एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए फादर, एज ए मदर। ये सारी हमारी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के को जांचने के तरीके होते हैं। फिर हमारा जो प्रोफेशन है उसमें भी हमारी जांच की जाती है कि आपके सामने एक सिचुएशन रख दी गई है, आप देखिए उसमें आप कैसा बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका कैसा बिहेवियर होता है। तो ये सारा का सारा एक एक प्रैक्टिकल लैब, जिसे कहते हैं ना लैब, एक लैब है। थ्योरी पढ़ाई जा चुकी है, यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल हो रहा है। ये पहली चीज खुद को जानना, नोइंग योर सेल्फ योर कैपेबिलिटी, वो तभी समझ में आता है जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और प्रैक्टिकल करवाने के बाद ही बाद में फिर कंक्लूजन निकालते हैं आप बैठ के। सिचुएशन ऐसा नहीं, पहले थ्योरी बहुत पहले पढ़ा दी गई है, यहां पर जब हम आए हैं ना, वो थ्योरी के ऊपर एक पर्दा सा डाल दिया गया। इसको बोलते हैं जब जन्म के समय जिस जो पर्दा दिमाग पर डाला जाता है, जिससे हमारे पिछले जन्म का कनेक्शन इस जन्म से कट हो जाता है, उसको बोलते हैं द वॉइड ऑफ इग्नोरेंस। वॉइड ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसा शून्य है जिसमें से हमें गुजारा जाता है, एक ऐसा शून्य में से हमें गुजारा जाता है जहां हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। उस शून्य को अगर हम आज भी पार कर लें तो वापस अपने पिछले जन्म को और अपनी पिछली सारी घटनाओं को देख सकते हैं। मैं जितनी भी बातें आपसे करता हूं, जो भी नॉलेज मैं कई बार शेयर करता हूं, ये हमने वही वही वॉइड को क्रॉस करके देखा है। उस वॉइड को क्रॉस करने के बाद वो सारी चीजें दोबारा से आप देख सकते हैं। तो नोइंग योर कैपेबिलिटीज, नोइंग योर सेल्फ पहला टास्क है। क्या होता है ये? अपनी क्षमताओं को जानना, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी भी है। जब तक आपको वो रियल सिचुएशन नहीं दी जाएगी, आपको कैपेबिलिटी कैसे समझ में आएगी? सोचिए, थ्योरी में तो बता दिया गया कि आप बहुत कैपेबल इंसान है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा जब तक आप सिचुएशन से डील नहीं करेंगे। तो जीवन की हर घड़ी हर परिस्थिति एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन की गई है और राइट टाइम पे राइट चीजों पे राइट स्थान पर आपको रखा गया है। ये बात आप समझ सकते हैं, हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार इस बात को समझें, एक बात से एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता है आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? आप इस क्लास में आज बैठे हैं, इस क्लास की नींव अब से मैं कहूं कि अब से 10,000 साल पहले रख दी गई थी, आपको कैसा लगेगा? 10,000 साल पहले क्या बात कर रहे हो, कैसे लगेगा 10,000 साल पहले रख दी गई थी? कैसे?
भाई साउंड की प्रॉब्लम के लिए मुझे मत कहा करें, समबडी कैन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, कोई यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया करें। अब मैं आपको क्या बोलूँ, बार बार मैसेज लिखते हैं, मुझे थोड़ा और लगता है ये मैसेज मैं डाल रहा हूँ, आप प्लीज ये मैसेज आप में से कोई जरा एक वॉलेंटियर बन के डाल दिया करें, इससे ज्यादा हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। चलिए, हमारी ये जो मीटिंग है इसकी नींव आपसे 10,000 साल पहले रख दी गई थी। कैसे? इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं। एक एक मैं अगर आपको इसको थोड़ा बैक ट्रेस करके लेकर जाऊं, कैसे हो रही है ये मीटिंग? आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, उससे पीछे जाएं, कैसे जुड़े आप? आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज फ्लैश आउट हुआ होगा, आपके मन में एक खोज होगी, आपके मन में एक सर्च होगी जीवन में। क्यों थी आप ही के मन में वो सर्च, किसी और के मन में क्यों नहीं है वो सर्च? कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पर लेकर आई, कौन सी खोज आपको यहाँ पर लेकर आ रही है? वो खोज कैसे आपके दिमाग में डालेगी, किसने डाली वो खोज? कैसे बचपन से आपकी ओरिएंटेशन अलग थी और बच्चों के मुकाबले में? बाकी बच्चे जहाँ खेलना कूदना नाचना गाना पसंद करते थे, आपको पसंद क्यों नहीं आता था? आपको अकेले रहना क्यों अच्छा लगता था? बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सभी के साथ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी डाली गई होगी आपके जीवन में, कुछ ऐसे पेन दिए होंगे, कुछ ऐसे दर्द दिए गए होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की होंगी। आपके माता पिता कि यहाँ पर आप पैदा हुए, इन्हीं के यहाँ क्यों पैदा हुए, कहीं और पैदा क्यों नहीं होंगे? इफ यू कीप आस्किंग द क्वेश्चन, आप पीछे जाएं, थोड़ा और पीछे जाएं, ठीक है? आप इन घर माता पिता के घर पे पैदा हुए, माता पिता आपके कब मिले, उनके मिलने की टाइम कब का था? तब वो टाइम फ्रेम अब से 25, 30, 40, 50 साल पहले की बात है जब वो मिले होंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ? अगर ऐसे हम बैक ट्रेस करते चले जाएं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कनेक्ट होती हुई आ रही हैं। वो ना मिले होते, आपके माता पिता ना मिले होते, फिर क्या होता? आप कम से कम वहां उनके घर में तो पैदा नहीं हो सकते थे, फिर कहीं और, कहीं के और ढंग से पैदा होते, किसी और ढंग से आपकी सोच होती, कोई और आपकी विचारधारा होती, और जैसी विचारधारा होती वैसी वैसी चीजें आप जीवन में अट्रैक्ट करते। जब इतनी क्लियर कट चीजें चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई सुपर कंप्यूटर है ना जो बैठ कर इन सारी चीजों की टाइमिंग को मैनेज कर रहा है कि इस टाइम पे आपको ये चीज चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। कौन करता है सब? कौन करता है? वो जो बैठ कर हिसाब किताब कर रहा है, वो कैसा अनोखा होगा, कैसे वो सारी चीजों को मिलान कर रहा होगा? ज्योतिष में कभी कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ जानने के लिए कभी जिज्ञासा पैदा होती है, कैसी एक सर्टेन टाइम पे ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये पर्टिकुलर प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है, वो वहां बैठा हुआ है। वो आपके टाइम अगर 12:10 पे आप पैदा हुए दोपहर को, 12:10 पे क्यों पैदा हुए, कोई पूछ सकता है? कोई बता सकता है? कोई इसकी कैलकुलेशन कौन करे बैठ के? ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? क्या इतना बड़ा ये सेलेस्टियल सिस्टम चल रहा है, जो गैलेक्सीज चल रही हैं, ये जो ब्रह्मांड इधर से उधर हो रहा है, मतलब ये जो मूवमेंट चल रही है, जो इतना विराट सिस्टम है, ये बिना किसी सुपर कंप्यूटर के चल रहा होगा? वो सुपर कंप्यूटर जिसका जिसको हम कह रहे हैं, उसी को हम भक्ति की भाषा में परमात्मा कहते हैं, ठीक है? टास्क क्या है? खुद को जानना। एक बैटल फील्ड आपके सामने बिछा दिया गया है, खुद को जानना, अपनी क्षमताओं को जानना। इसमें जब तक आप उन दुखद परिस्थितियों से नहीं गुजरोगे, आपकी क्षमताएं निखर कर नहीं आती। आपको कैसा पता चलेगा कि आप इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे? हाउ डू यू कम टू नो? आपको पता तभी चलता है जब आपके सामने वो सिचुएशन लाई जाती है, और जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, इसका मतलब उसको किसी खास काम के लिए तैयार किया जा रहा है, उसको किसी खास काम के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है? हर दुख आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। ये खुद की जानने की यात्रा ऐसी ही है, थोड़ी टफ है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा, इस जीवन में आने का उद्देश्य है अपने कर्मों का हिसाब करना। डेफिनेटली पिछले जन्मों में जो हमने यात्रा करी है, उसका अगला पड़ाव, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी जो आपको सामने है, वो कर्मों का हिसाब। ये इसके ऊपर हम पहले कई बार सत्संग कर चुके हैं, बड़ा कॉमन टॉपिक है। तो ये टॉपिक है अपने कर्मों का हिसाब करना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका हिसाब कैसे हो, क्या किया जा सकता है अपना हिसाब करने के लिए? सिंपल, कार्मिक डेट क्लियर करने। कोई लेना था, कोई देना था, कोई हिसाब करना था। अपने कर्मों का हिसाब करने का मतलब है अपनी गलतियां स्वीकार करें और कर्मों के दंड को खुशी से भोगें।
क्योंकि आप ये पैक्ट करके आए हैं, आप ये वायदा करके आए हैं कि ये दुख मैं इस जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इन दुखों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ये आप वायदा करके आए हैं। यहां आकर अगर आप अपने वायदे से मुकरते हैं तो फिर आपको कोई अच्छे लेवल पर नहीं ट्रीट किया जाता, आपको कोई अच्छे लेवल पर ट्रीट नहीं किया जाता, राइट। आप यहाँ पर अपने आके अपने वायदे से मुकरिए मत कि भाई मैंने तो नहीं, मेरे को ऐसा क्यों होगा जीवन में, वैसा क्यों होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इतना दुख क्यों आ रहा है आखिर मेरे ऊपर। हमारे पास जितने भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं ना, सबसे मेजर सवाल ये होता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आपने मांग करी है। कभी कभी मैं पूछता हूं ना गुरुदेव से कि ये आखिर इसके साथ क्यों, गुरुदेव कहते हैं चिट्ठा दिखाएं, ये देखने को तैयार है, करें इसके सामने इसका हिसाब किताब। एक एक कर्मा अगर खोलने बैठ गए ना, एक एक कर्मा अगर खोलने बैठ गए ना, कोई कोई आपको आपको बचाने वाला नहीं होगा वहां पर। अगर हिसाब किताब सामने रख दिया जाए ना, तो ऐसी ऐसी हालत खराब होती है जब कर्मों का, सच में इवन हम लोग भी जब बताते हैं कि भैया ये आप ये कर्म करके आए हैं, ऐसे करके टॉर्चर किया था आपने इस बंदे को, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज कह रहे हो कि ये व्यक्ति मुझे क्यों ऐसे तंग कर रहा है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आज आपने नहीं बिगाड़ा, लेकिन जो बिगाड़ के आए हो, जब बिगाड़ रहे थे तब आपने किसी से परमिशन ली थी क्या? आपने बहुत बुरा बिगाड़ा है, थोड़ा नहीं बिगाड़ा, बहुत बिगाड़ा है, इतना गंदा बिगाड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। किसका हिसाब दोगे? कोई खेल है क्या? सिंपली गलती स्वीकार करें। लोगों का दिल नहीं मानता, नहीं मानते लोग, अरे मैं कैसे मान लूं कि मैंने कोई गलती करी है, इस जीवन में तो मैंने कोई गलती करी नहीं। हिसाब किताब बड़े भारी हैं, आपको कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कार। गुरुवाणी में सीधे सीधे वचन लिखे हैं कि अगर आपको सच में, अगर आप लड़ सकते हो तो जाओ किसी ऐसे सुप्रीम कोर्ट में, खुदा के अगेंस्ट वो डालो, दरखास्त डालो, FIR करवा दो भगवान के अगेंस्ट, कि भगवान जो ना जुल्मी है और इसने ये गलतियां की हैं, ये देखो फालतू में मुझे कल्प्रेट बना रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपको उस दरगाह से पहले आप एक बार PLR करवा लो, आपको बता रहा हूँ, आपके आधे सारा 90% तो हिसाब आपको यही बता देंगे कि आपने क्या क्या गुनाह किए हैं। और ऐसे मोटे मोटे गुनाह हैं कि बस पूछो मत। आज हम बहुत शरीफ लगते हैं एक दूसरे को, आज हमें लगता है कि बस मैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और ये गलती, सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे मेरे मन में तो ख्याल भी नहीं पैदा होता, मेरे पैर से तो चींटी भी नहीं मरती। ये क्यों होता है आप जानते हैं? क्योंकि कुदरत का रूल है। जैसे रूल क्या है, अगर आप एक व्यक्ति इस जीवन में मान लो अपने नौकर के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, वो मालिक है, उसका नौकर है, नौकर के ऊपर वो जो कहता है, बेचारा नौकर गरीबी के कारण कुछ बोल सकता नहीं, उसके ऊपर वो अत्याचार करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, चीजें दे मारता है, गाली देता है, व्हाटएवर, ठीक है, एग्रेशन दिखाता है एक नौकर के ऊपर, क्योंकि नौकर एक नौकर ही है, वो बेचारा करे तो करे क्या, वो मजबूर है, उसको नौकरी करना है, चार पैसा कमाना, अपना परिवार पालना है। अब जब इसका हिसाब किताब होगा तो क्या होगा आप जानते हैं? आपके सामने सिचुएशन लाके खड़ी कर दी जाएगी, आपके सामने बिल्कुल सिचुएशन, ये नौकर आपको दिखाया जा रहा है, ये नौकर, ये आप इसको डांट रहे हैं, ये आपको चिल्ला रहे हैं, इसके मन की स्थिति को समझो। आप बोलते मुझे तो उसके मन की स्थिति ठीक लग रही है, मैं मालिक हूं, मेरा काम है, मैं मेरा काम नहीं कर रहा था, डांट दिया मैंने, मार दिया मैंने, दो लपेड़ मार दिए, अच्छा जरा आप इसकी जगह होते तो कैसा लगता? ओके, लेट मी पुट यू इनटू दैट सिचुएशन। वो बोलते हैं आपको एंजल्स कि मैं आपको उस स्थिति में डाल के दिखाता हूं, आपको टेम्परेरीली आपके माइंड को एकदम मोल्ड कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है कि इस स्थिति में जाओ और ये व्यक्ति तुम्हें डांटे, मतलब तुम खुद ही डांट रहे हो, तुम खुद डांट रहे हो और तुम खुद डांट खा रहे हो, जरा डांट खा कर देखो, देखो कैसा लगता है। और फिर जब वो खुद को जब डांटता है, वो खुद का ही सेल्फ खड़े हुए इस नौकर को डांटता है, तो दिल में जो टीस उठती है, जो दर्द उठता है ना, इसको तो अगर मेरे पास मेरा बस चलता ना, इसके मुंह पे दे मारता मैं, ये नौकर का अंतर हृदय सोच रहा है, ठीक है। फिर आपके आपने जो सोचा था ना,
उसको वहीं रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यही सोच रहे थे ना तुम, दे मारते ना, आपको ये सिचुएशन दी जाएगी अब, दे मारना जरा जरा देना, और सेम सिचुएशन होगी याद रखना। अब ये नौकर, प्रॉब्लम क्या है, आज ये नौकर एक नौकर है, आपको इस जैसी स्थिति को भुगतने के लिए अगली बार नौकर जैसी मेंटेलिटी बनाई जाएगी आपकी। अगर नौकर ना भी बनाया गया, हो सकता है आपके और कर्म अच्छे हों, हो सकता है और कर्मों की वजह से आपको नौकर ना बनाया जाए, लेकिन नौकर जैसी दयनीय स्थिति बना दी जाए, जैसे घर का नौकर ना हो, हो सकता है आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो और आपका बॉस आपके साथ ही हरकतें करे, हो सकता है आपको अच्छा खासा पैसे मिल रहा, हो सकता है कंपनी में आप मैनेजर भी हो, वो किसी और कर्म के कारण होगा, लेकिन ऊपर जो खड़ा हुआ बॉस है, जो वो आपकी जो खिंचाई करता है, वो फिर आगा पीछा बिल्कुल नहीं देखता, मार वो ऐसी पिटाई करता है कि पूछो मत, वो क्यों होता है। इस व्यक्ति ने ये बिल्कुल दयनीय स्थिति में, और स्थिति ऐसी कि ये नौकरी छोड़ नहीं सकता, करे क्या, हिसाब किताब ऐसा ही होता है। जब ऐसा हो तो अपनी गलतियां स्वीकार करें और कर्मों के दंड को खुशी से भोगें, किसी और पर जिम्मेवारी ना थोपें, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर आई एम सफरिंग, नो, नॉट अलाउड। परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपको सहन करने की शक्ति दे, यस दिस इज अलाउड, या मांगे कि प्रभु सहन करने की शक्ति दीजिए। हम करते हैं आधे अधूरी बातें, सब करते हैं, मांगते हैं, ये हमारा दूसरा मेजर पर्पज पूरा हो, समझ में आया कि हम कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तीसरा मेजर पर्पज क्या है हमारे ऐसा धरती पर आने का, सृष्टि के नियमों को जानना, सम ऑफ द गोल्डन रूल्स जो इस धरती पर हैं, जो इसे चला रहे हैं, हमारे ही बनाए हुए कॉस्मिक रूल्स हैं, हमारे इष्ट के बनाए हुए रूल हैं, परमात्मा के बनाए हुए रूल्स हैं। भाई जिस दुनिया में आप रह रहे हो वहां के रूल्स ही नहीं पता आपको, राइट, वहां पे रूल ही नहीं पता आपको। हमारे एक मित्र जो हैं, अब जैसे हमारे यहाँ के ट्रैफिक रूल है, आप सभी को पता है कि अमेरिका में जाओ तो ट्रैफिक रूल बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन जो है बिल्कुल उल्टी हो जाती है, राइट। तो हमारे एक मित्र एक बार अमेरिका गए और उन्होंने वहां पर इस वहां से एक मजेदार किस्सा हमें बयान किया, बोलने कि शुरू शुरू में बच्चे से पहला ही दिन था, यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लिए, यहाँ तो हमारी बाई डिफॉल्ट आदत थी, फटाक से अपनी गाड़ी निकाली और रर से सड़क पे निकल गए और अपनी सड़कें अपने इधर कभी उधर कभी उधर जैसे मर्जी चलाओ, कौन सा यहाँ पे कोई पूछता है, अपन वैसे ही रोड पे निकले और अपने लेफ्ट साइड में ले गए। थोड़ी देर में कहता है एक कार ना वहां से मेरी ही डायरेक्शन में आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कार उल्टी कैसे चल रही है, थोड़ी देर में देखा तो दूसरी आ रही है, थोड़ी देर में तीसरी आ रही है, फिर लगा सारी कारें उल्टी क्यों आ रही है, उल्टी डायरेक्शन में क्यों आ रही है, ये क्यों आ रही थी, वो खुद उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, कारें तो वही अपनी डायरेक्शन में ही आनी थी, उनको जैसे आना था वो वैसे ही आ रहे हैं, वो खुद उल्टा जा रहा है। जाहिर सी बात है उसके मन का एक पैटर्न है, सृष्टि के नियम नहीं जान रहा वो, उस जिस धरती पर वो गया है वहां के नियम क्या है ये तो उसे पता होना चाहिए ना। इस धरती पर हम आए, यहाँ के कुछ नियम है जो इस धरती को चलाते हैं, क्या है वो नियम, टोटल 17 अलग अलग नियमों का पता लगा है, फिर भी जितना समझ में आता है कर्मों का सिद्धांत उनमें से एक मुख्य है, संतुलन का सिद्धांत, लॉ ऑफ बैलेंस, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे मोटी मोटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नियम है, सिद्धांत है जो इस धरती पर चला रहे हैं, और बहुत सारे नियम है जिनका आप हिसाब किताब में अभी बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन टोटल 17 नियम किसी ने अलग अलग जगह पर व्याख्या किए हैं, 7 नियम अलग अलग जगह पर बोले हैं, कई 7 कभी 17 कभी और भी कई टाइप के हैं। तो ये 3-4 सिद्धांत मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे और नियम है जिससे अंतर्गत ये पृथ्वी चल रही है, इन सृष्टि के नियमों पर आधारित है, इन नियमों को आपको जानना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं समझते तो यहाँ पर आपकी पिटाई निश्चित है, ठीक है, ये नियम को जानना। चौथा यहाँ पर्पज है लोगों की सेवा करना, ये सीखना कि सृष्टि में हम म्यूचुअल सर्विस के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, सर्विंग द पीपल मुख्य नियम है, ये भी एक तन से मन से और धन से सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, निरअहंकार होकर सेवा करना, सेवा करते हुए ये नहीं जताना कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, निरअहंकार होकर, निरअहंकार होकर। कभी आपने सूरज को इगोइस्टिक होते हुए स्टेटमेंट देते हुए देखा कि भाई साहब मेरे कारण धरती चल रही है, ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये जो 8 अरब की आबादी दुनिया में है सब मेरे कारण सर्वाइव कर रहे हैं, इस सत्य को तो आप जानते हैं ना, राइट,
अगर वहां पर गलती से सूरज बुझ जाए तो आप भी यहां पर बुझ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सूरज बुझेगा, यहां बुझते हुए हमें देर नहीं लगेगी। कितनी देर की बात है, कुछ मिनटों का खेल है बस। कुछ मिनटों के अंदर सूरज ना होते सारा कुछ ना हो जाएगा। सूरज क्या, एक छोटा सा अपना प्लेनेट ही इधर उधर हो जाए, डायरेक्शन थोड़ी सी इधर उधर हो जाए। अर्थ की जो डायरेक्शन है, जो 51 डिग्री कुछ एंगल पे जो टेढ़ा वो खड़ी हुई है, थोड़ा सा बस 0.01% इधर उधर हो जाए, बस सारा गेम ओवर है। कितनी सारी चीजें, करोड़ों चीजें, अरबों खरबों चीजें एक साथ सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं, तब आप इस धरती पर सांस ले पाते हैं। अभी आपने सांस ली, एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके यहाँ पर मौजूद है। भगवान ना करे कि ऑक्सीजन के अमाउंट कम हो जाए। आप जानते हैं क्या हालत होती है, कभी कोविड पेशेंट को तड़पते हुए देखा है? देखा है ना, कुछ वीडियोस में कभी क्लिप्स में देखा होगा। भगवान ना करे ये दर्द किसी को सहना पड़े। एक सांस लेते हुए, सांस ले रहे हैं लेकिन सांस में ऑक्सीजन नहीं है, क्या हालत होगी? या ऑक्सीजन है लेकिन आपके लंग्स में कैपेसिटी नहीं है, क्या करोगे? बड़ा अहंकार जो करें ना, उनको बात समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मन कभी कहे ना कि मैंने ये किया मैंने वो किया। अच्छा एक सांस तो लेके दिखा दे, अपने आप को कह रहा हूं, एक सांस लेके दिखा दे, बाकी तो छोड़ दो, एक सांस लेके दिखा दे अपनी मर्जी से। कह रहा है ना कि मैंने ये किया मैंने वो किया, जरा देख, एक सांस लेके दिखा दे। एक सांस के अंदर, एक सांस भी कभी ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना कि आप एक सांस लेंगे और वो सांस आपके लिए नहीं होगी, गॉन। कभी तो होगा, एक सांस ली पर वो वापस लौटी ही नहीं, गॉन, सिस्टम ओवर। क्या होगा फिर, चार लोग उठा के पटक आएंगे और क्या होने वाला है? एक सांस भी लेने का हक हमारे पास नहीं है, हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अच्छा सांस के बारे में भी जरा समझ लें। मैंने अभी अभी सांस ली, इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी। मेरे आसपास के पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, कितना सुंदर सिस्टम है। आपको लगता है कि आपके जीने में केवल आप ही योगदान कर रहे हैं, इन पेड़ों का भी कितना बड़ा योगदान है। किस दिन ये पेड़ ना हो, ये कह दे भाई साहब आज तो हम ऑक्सीजन लेंगे लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, आज बस मामला ओवर, डन, डील इज ओवर, फिर क्या होने वाला है? श्वास ली, गेम ओवर, है ही नहीं ऑक्सीजन, है ही नहीं, तो क्या कर लेंगे आप? इतने बड़े सिस्टम को नमस्कार नहीं की जा सकती? कोई इतने प्यार से बैठकर हमें, कोई इतने प्यार से बैठकर ये सिस्टम डिजाइन कर रहा है, एक एक चीज को क्या खूबसूरती से। आपके आने से पहले माँ को दूध दे दिया जाता है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, उसके आने से पहले उसके लिए इंतजाम कर दिए जाते हैं। उसके आने से पहले माँ बाप उसके बारे में सोचना विचारना वो सब चीजें शुरू कर देते हैं। कौन है जो केयर कर रहा है इतनी? क्या उस परमात्मा को नमस्कार करना नहीं बनता जो आपके लिए इतना केयरफुल है, इतना लविंग है, इतना प्यार देने वाला है? कितने सिस्टम आपके लिए चल रहे हैं सोचिए, इतना प्यार भरा सिस्टम आपके आसपास में, लोग कितना सहयोग करने वाले हैं। आपको खाने पीने का इंतजाम कर दिया गया, आपके कंफर्ट का, आपके आपके आराम का इंतजाम कर दिया गया है। आपके माता पिता हैं घर में, पति या पत्नी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, केयर करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, प्यार दे रहे हैं। एक सिस्टम है, एक रूल है जो चला रहे हैं। इतने सारे सिस्टम को देख के क्या परमात्मा का धन्यवाद नहीं बनता? बनता है ना, शुक्राना तो बनता है ना। ये यही सिस्टम, ये इसीलिए लोगों की सेवा करके हम एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, बल्कि जो हमें सेवा दे रहा है वो एहसान कर रहा है। जो हमें सेवा दे रहा है वो हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहा है। कोई हमसे अगर फूड स्वीकार कर ले, हम किसी को राशन देने जाते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं उसको, तो तुम्हारा शुक्र है जो तुम यहां पर बैठे हो। अगर तुम्हें जरूरत ही ना होती तो हम किसको देकर राजी होते? तुम्हारे पास भरपूर राशन होता, तुम्हारे पास सब कुछ भरपूर होता, सारे एक ही लेवल पर होते, हम किसको देकर राजी होते? किसको देते हम? लेने वाला ले रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर ना दान के साथ दक्षिणा देने का प्रोविजन है। आप जानते हैं जैसे किसी को दो 500 रुपए, दो 501 रुपया बोला जाता है। दो क्यों दो? वो 1 रुपए का मतलब है थैंकफुल, धन्यवाद कि तुमने मेरे 500 रुपए स्वीकारे, ये 1 रुपया भी रखो, ये उस धन्यवाद के लिए, ये धन्यवाद के लिए है वो।
ये सेवा का भाव ऐसे आता है। और सेवा करनी सीखनी है तो सिखों से सीखो, क्या भाव होता है उनका, गुरु नानक साहब क्या फरमा कर गए हैं, क्या समझा कर गए हैं, ऐसी महान हस्तियों को बारंबार नमन है, क्या सेवा का भाव डाला है अंदर, किसी जाकर किसी गुरुद्वारे में किसी किसी स्थान पर जरा सेवा का भाव देखो, हैरानी होती है जब लोग आपके जूते, जिन जूतों को हम आम तौर पे अपने घर के अंदर नहीं एंटर करने देते, आप वहां पर जूता रखने जा रहे हैं जोड़ा घर में, वो आपके जोड़ों को लेकर वो बंदा साफ कर रहा है, न केवल साफ कर रहा है बल्कि सिर पे लगाकर और वहां पर रख रहा है। कैन यू बिलीव दैट, क्या गरज है उनको, क्या गरज है, जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, उनके मन में एक भाव होता है शायद संगत के रूप में मेरे गुरु नानक साहब पधारे हों। कोई सोच भी सकता है बात, अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान, ये आदर, ये भाव, सेवा का भाव की मैं बात कर रहा हूं, सेवा क्या होती है समझिए, सेवा क्या होती है, कोई खेल नहीं है ये, इतनी नम्रता, इतना प्यार, इतना आदर, फिर वो वही जोड़े जो वो रखेंगे ना, उसको पहले वहां साफ भी करेंगे, और साफ करने वाला जो जोड़े साफ कर रहा है कोई छोटा मोटा इंसान हो, ऐसा नहीं है कि कोई राह चलता कोई हो सकता है, कोई कोई मजदूर बिठा के रखा हो, नो, हो सकता है आपके सामने ओडी गाड़ी में उतरा हो सकता है ओडी में उतरा हो और आपके सामने वो अभी जोड़े साफ करके जब ये जाएगा तब इसकी हालत देख लेना तो पता चल जाएगा कि कौन है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर इतना प्यार सिखाया जा रहा है, इतनी महानता, इतना लेवल सिखाया जा रहा है, किस हद तक तन और मन और धन की सेवा की जाती है, ये सिखों से सीखने लायक है। निस्वार्थ निरअहंकार होकर सेवा, निमाने होकर सेवा, गुरु नानक साहब ने ये परंपरा चलाई है। सेवा के साथ साथ धन्यवाद भाव, शुक्रिया कि तुमने मुझे सेवा का मौका दिया, ये चौथा नियम। और पांचवा, लोगों के प्रति प्रेम, प्यार, सेवा भी और प्यार भी, प्यार में सारी बातें आ जाती हैं। क्या हम अपने रिश्ते प्यार से निभा सकते हैं, कैन वी अपने रिश्तों को प्यार से निभाना सीखें, किसी भी रिश्ते में कड़वाहट रहेगी ना, ये रिश्ता आपको फिर मिलेगा दोबारा से, भूल मत जाना। पति या पत्नी का जो हम कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है, इसीलिए होता है वो, अगर होता भी होगा, वैसे कोई पक्का नहीं है, लेकिन अगर होता होगा ना इसी वजह से होता होगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ शिकवे ही इतने ज्यादा हैं, वो एक जन्म में पूरे हो ही नहीं सकते, उसके लिए कम से कम 7 जन्म तो कम चाहिए, हो सकता है 7 की जगह 70 भी हो जाएं, क्योंकि शिकायतें बहुत हैं, इतनी शिकायतें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शिकायतों को दूर करने के लिए ही जन्म बार बार लेना पड़ता है। जब तक शिकवा शिकायत है, जानना जब तक शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो। तो ये खलनायक हम ही हैं अगर हमारे मन में भी शिकवा बचा हुआ है। तो लोगों के प्रति प्रेम और परमात्मा के प्रति भक्ति भाव ये डिवेलप हो सके, जो मैं आपको ये महिमा बता रहा हूं उस परमेश्वर की, क्या ये भक्ति भाव मन में पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, उस परम पिता ने जिस जो बैठ कर ये सारे रूल बना रहा है, क्या उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती, क्या उसके प्रति दिल में प्यार नहीं पैदा होता कि वाह यार क्या खेल कर रखा है तूने, क्या खेल कर रखा है, क्या सुंदर आसमान को देखकर, उड़ते हुए पक्षियों को देखकर, लहलाते हुए वृक्षों को देखकर, बदलते हुए मौसमों को देखकर, उसके प्रति एक वाह का भाव नहीं उमड़ता, वाह प्रभु वाह क्या बात है। गुरु नानक साहब ने यही जब वाह गुरु वर्ड बोला था ना, बस यही वाह गुरु वाह क्या बात है, बस वो वाह गुरु जो है आज सिखों का वो बीज मंत्र बन गया है, वाह गुरु। क्यों, किसको देखकर बोला, उस परमात्मा को देखकर, उसकी अद्भुत लीला को देखकर, उसके खेल को देखकर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्या मन में भाव पैदा हो रहा है, क्या उसके प्रति नमस्कार करने का दिल नहीं कर रहा, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कार, क्या खेल कर रहा है वो बैठकर, और वहां थोड़ी बैठा है वो, यहां भी बैठा है, वो यहां भी बैठा है, आपके भीतर भी तो वही बैठा हुआ है, वो भी तो खोज कर रहा है, वही तो खोज कर रहा है बैठकर, आप ही के भीतर बैठकर आप ही की खोज करवा रहा है, अपने आप से अपनी खोज करवा रहे, सोच के देखो कितना सुंदर खेल है ये। तो ये 5 लेवल पर हम पहले ही बात को समझें, तन मन धन से सेवा करें, निरहंकार होकर सेवा करें, निस्वार्थ होकर सेवा करें,
और जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में वापिस जाएं, परमात्मा के द्वार पर वापिस जाएं, तो हमारे नाम के आगे टिक लग जाए कि भाई इसको जो काम भेजा था ना बंदा, बिल्कुल काम पूरा करके आया है, अगली बार इसको और अच्छा काम देना, इसने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। सोचो, माँ बाप कभी देते हैं ना बच्चों को विदेश भेजते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, खासतौर पर हमारे पंजाब में, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा होता है, और पंजाब में सबसे ज्यादा, मतलब वो भर भर के एक बंदे को हो सकता है वो अपने खेत बेचकर, जमीन जायदाद बेचकर जो है ना लोगों को भी किसी तरीके से बच्चा जाके सफल हो जाए, एक काम के लिए भेजा, एक पर्पस के लिए भेजा। सोचिए वो काम, वो पर्पस पूरा करके बच्चा साल, दो साल, तीन साल, पांच साल में लौट आए और कहे कि देखो आपने मेरे को जो काम किया था, ये अपने पैसा दिया था, ये आपने मूल दिया, मूल का मैंने मूल वापिस कर दिया, उसके गुना चार पांच छह गुना मैंने उसके ऊपर जो पैसा कमाया वो सब पैसा भी लाकर आपके चरणों में उसने रख दिया, तो माँ बाप का दिल कितना खुश होगा, वाह क्या काम, क्या बात है, बच्चे ने हमारा आना जाना सब सफल कर दिया, राइट। क्या फर्क पड़ रहा है, जब ये बच्चा कमा कर ला रहा है तब, और अगर ये कमा कर ना लाए और जो लेकर गया था वो भी गंवा आए, तो फिर क्या हालत होगी, अगली बार आप इसको भेज पाओगे क्या? कभी नहीं भेजोगे आप इसे अगली बार, तो कभी नहीं भेजोगे, उसके हरकतें ऐसी नहीं है, उसने काम ऐसे नहीं किए कि आप उसको दोबारा से भेजो। इसलिए कोशिश ये करें कि अब इस बार, पहले तो हमें पता था या नहीं पता था, लेकिन अब जब हम वापस जाएं, जाके परमात्मा के सामने हम भी शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद के साथ, जो कमाया था, कमाया क्या था, क्या दिया था उसने हमें, दिए थे श्वास, श्वास दिए थे, श्वास रूपी पूंजी दी थी, जाना इस धरती पर, यूटिलाइज करना, अच्छे कर्म करना, जो पीछे जो गोल थे वो गोल पूरे करके आना, खुद को जानकर आना, काम पूरे करके आना, सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरे करके आना, लोगों की सेवा करना, लोगों से प्यार करना, और जब करके वापस सिमरण करना, सिमरण करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, और जब आओगे, जब वापस आओगे तो परमात्मा फिर खड़े होके वेलकम करेगा कि हाँ भाई कमाल कर दिया है, क्योंकि जो 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 हम जिस पर्पस को लेकर गए थे वो पर्पस पूरा कर दिया। अगर ये पर्पस पूरा ना हुआ तो फिर वो जूते पड़ते हैं, वो जूते पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं ना नरक, वो नरक फिर चाहे वहां या यहां सब झेलना पड़ता है। इसलिए अभी अपनी यात्रा का एक अच्छे से समझे कि हम मिस्टेक कहां पर कर रहे हैं, क्या हम अपने इस यात्रा को सही टाइम दे रहे हैं, क्या अपने आपके ये जो पांचों टास्क हमें कुदरत ने दिए थे, क्या इन पांचों टास्क पर हम अपना टाइम दे पा रहे हैं, अगर दे पा रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, going in the right direction, अगर नहीं दे पा रहे तो फिर इस बात को समझ लीजिए कि ये चेतावनी है, एक वार्निंग है कि अगर ये नहीं दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कब काल हमारे सिर पर आकर खड़ा हो जाए और हिसाब किताब मांगना शुरू कर दे, कनपटी पे रखे, चलो वापस हो गया टाइम, अब क्या आएगा तो बताकर थोड़ी आएगा, जिस दिन आकर आने से पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ी देगा कि भाई साहब चलो टाइम हो गया, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब इतना जब डिफिकल्ट हो, इतना जब यहाँ पर ना तो रहने का जीवन का पता, ना मृत्यु का पता, कब होनी है, कब क्या हो जाए, इस समय में अपना काम जल्द से जल्द बना लिया जाए। अब अपने आप से सवाल करें, आर वी डूइंग द राइट टास्क, क्या हम वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, क्या हम अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हैं, क्या आज परमात्मा हिसाब लेने लग जाए, आज एज ऑफ टूडे, क्या आज हम उसके सामने सुरखुरू होकर, खुशनुमा होकर रिप्लाई कर पाएंगे कि प्रभु वाह आपका काम मैंने कर दिया है, आपने जिस टास्क को दिया था वो टास्क डन, थैंक यू वेरी मच। अगर आज हम कर पाए तो फिर कल भी हो पाएगा, अगर नहीं भी आज तक भी नहीं हुआ ना, और डायरेक्शन भी ठीक है, कम से कम सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर भी आप कम से कम आज भी कह सकते हैं परमात्मा आपको आज भी रास्ता दिखाने को तैयार है कि आप जाएं और अपना काम पूरा करके जाएं। तो टास्क में कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहला जो टास्क है खुद को जानने की यात्रा, सेल्फ अवेकनिंग, क्या आप उस अवेकनिंग की राह पर चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो आपको धन्यवाद है, आप बधाई के पात्र हैं, जाएंगे तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं चल रहे तो अपना प्रयास दोबारा से डालना शुरू करें, कोई जो कमी है उस कमी को पूरा करें। इज इट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके परफेक्ट। चलिए अब हम
जरा यात्रा का दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। अब अगर आपके अवचेतन मन में यही बात कूट कूट कर बिठा दी जाए कि आप यहाँ पर एक महान कार्य करने आए हैं, तो कैसा रहेगा? समझ में आएगा? विल इट बी गुड? डाल दिया जाए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात, ये पैटर्न, कि हम किसी तरीके से हम भूल ना पाए, एक भी श्वास हमारी व्यर्थ ना जाए। आज का टॉपिक सिर्फ इतना है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, किसी तरीके से श्वास श्वास में नाम याद रह जाए परमात्मा का, परमात्मा का नाम याद रह जाए, ऐसा याद रहे कि फिर भूल ना पाए। क्योंकि सारा गेम, सारी जो कीमत है ना श्वासों की है, ये बात समझ लेना। जब हिसाब होगा ना तो श्वासों के बेस पर होगा, कितनी श्वास दिए गए। अब जानते हैं कितने श्वास होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 21,600 एक दिन के अंदर श्वास आते हैं। कैसे? लगभग 4 सेकंड का एक श्वास होता है, लगभग। इनहेल एक्सहेल, जब हम नॉर्मल लेते हैं तो 2 सेकंड इनहेल 2 सेकंड एक्सहेल। 1 मिनट में लगभग 15 श्वास, और इसी को अगर आप 1 घंटे में कैलकुलेट करो, राइट, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो 21,600 के करीब ऐसे मोटा मोटा बैठता है। तो ये हिसाब अगर कैलकुलेट करते हुए हम एक्सटेंड करें कि जितना जीवन इस धरती पर आके रहे, मान लीजिए हम 70 साल का जीवन रहे, मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70, इतना हमें श्वास दिए गए। अब जब हिसाब लिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि भाई इन श्वासों के बदले में क्या खरीदा, क्या खरीदा? ये आपको दिए गए हीरे हैं, ये दिए हुए पैसे हैं, कीमत है, इसके बदले में क्या बाय किया? तो क्या श्वासों के बदले में क्या लिया जाना चाहिए? क्या वो समय जो मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए बिताया, या लोगों की सेवा के लिए बिताया, या किसी को प्रेम देने में बिताया, या किसी को मोटिवेट करने में बिताया, या किसी को सही राह पर लाने में लगाया, राइट, या अपने फर्ज पूरे करने में लगाया, या परमात्मा को की सेवा के बंदों की सेवा करने में लगाया, ये सारा समय तो सार्थक है, ये सारा समय तो सार्थक है। इसके अलावा बाकी सब उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लग जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो टाइम है ये इसी काम को पूरा करने के लिए है। आप अपने जीवन में जो भी शब्द परमात्मा का दिया हुआ चुना है, उसको जरा अपने दिल में दोबारा से याद कर लें कि वो घड़ी, वो वेला दोबारा से फिर से आने वाला है जब हिसाब किताब लिया जाने वाला है। और अब शर्मसार नहीं होना, ये तो ऐसी कुट पड़ेगी, ऐसी पिटाई होएगी कि बस फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। अभी तक तो इग्नोरेंस में बात चली गई, हमने कहा कि भाई प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था, पिछली बार जब गए थे तो ऐसी ही पिटाई, हमने बड़े लोगों की पिटाई होते हुए देखी है, वहां पर सीधे जाके बोल देते पता ही नहीं था, हाथ खड़े कर दिए। क्या आप ये बोल पाओगे कि पता नहीं था? अब आप सत्संग तो अटेंड कर ही लिया है, ये भी रिकॉर्ड हो चुका है ऊपर, ये भी आपकी डिमांड रही होगी कि यार आपने बोला होगा ऊपर कभी ना कभी कि प्लीज एक बार रिमाइंडर दे देना, नीचे जाके भूल ना जाऊं, लास्ट टाइम भूल गया था तो बहुत बहुत पिटाई हुई थी, इस बार नहीं, आप प्लीज रिमाइंडर दिलवा देना किसी से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के मन में संकल्प डाला, उसके लिए एक क्या करोड़ों संजीव मलिक है, पता नहीं किसके दिमाग में संकल्प डाल दे, आपको याद दिला दे कि भाई डन है मामला, ठीक है। अब रिमाइंडर तो दिया जा चुके, अब देखो क्या हम सच में रिमाइंडर के बाद भी ऐसा तो नहीं कि अलार्म को ठां मारा और फिर से जाके सो गए। अब अगर ये किया फिर देख लेना, फिर हिसाब किताब बड़ा बुरा होने वाला है। इसलिए प्यार से जिस टाइम के लिए, जो चीज चल, जिस घड़ी के लिए वेट कर रहे थे ना, राइट टाइम है, हर चीज इस समय में मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आप सोचिए क्या नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। खाना पीना सब चीजें सुविधाजनक हैं, घर के कंफर्ट में बैठे हैं, बाहर निकल के वैसे पिटाई होनी है, जरूरी है घर बैठ के ही अपना शांति से बैठ के, बाहर जाने के रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है भीतर जाने का, सिर्फ अवेकनिंग का है रास्ता, और रास्ता क्या है, और कहाँ जाओगे इसके अलावा, कहाँ जाओगे बताओ? अभी इतना खतरनाक वाला लॉकडाउन तो नहीं लगा कि वो पिटाई हो, लेकिन पिछली बार तो जैसे हुआ था, पकड़ पकड़ के कैसे पुलिस वाले पीटते थे, अभी वैसा तो नहीं लगा, शुक्र है परमात्मा ऐसे में ही समेट ले। प्रार्थना तो करिए कि 4-5 दिन में वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए, अभी हो जाएगा, ऐसा आश्वासन आया है ऊपर से, जरा आप भी दिल से कर देना ताकि जो जो ग्राफ नीचे आ जाए, कंट्रोल में आ जाए चीजें। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरह से, एंजल, गलतियां हमारी बड़ी हैं, बड़ी गलतियां हैं, बताते हैं ना तो बड़ा दिल को ओखा होता है, दिल बड़ा परेशान होता है। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, आइए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो एक बार सीधे बैठ जाएं, हम अपनी अंदरूनी